नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया। इससे पहले आपने देखा होगा गणित शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको गणित पैडागॉजी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें मैंने आपको आगमन विधि और निगमन विधि की दो वीडियो बना दिए थे। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पहले उसे देख लें। इसके बाद आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसमें विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और हेरिस्टिक विधि, इसकी सारी डिटेल होने वाली है और सारा कुछ मैं बताऊंगा जिस तरह सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं में आता है। इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहूंगा आपको कि अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए बना रहा हूँ सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज। और वो जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी बाल विकास का बन चुका है, आप उसे देख लें, आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगेगा। एक बार अनअकैडमी जाना, कहाँ से मिलेगा अनअकैडमी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहीं से आपको अनअकैडमी के वीडियोस देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी समस्या की तह तक ये समस्या को ज़्यादा समस्या को हल करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। इस तरह क्या होता है, अज्ञात का जो रहस्य होता है ये खोजते खोजते जो छात्र होता है या व्यक्ति जो होता है वह ज्ञात तक पहुंचता है। तो देखिए पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, विश्लेषण विधि क्या बोल रही है। अगर आप किसी समस्या को हल करना चाहते हो और हल करने के ड्यूरेशन में आप इसे आसानी से हल करना चाहते हो, तो पहले हम समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और फिर हम अज्ञात से ज्ञात की ओर धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट क्लियर, आगे हम चलें। तो समस्या में जो कुछ ज्ञात करना होता है या जो हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में हम लोग सिद्ध करने वाले सवाल करते हैं, ठीक है, उस तरह से कुछ, तो उससे आरंभ करते हैं। और यह सिद्ध करना अथवा ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या सिद्ध करना है, क्या ज्ञात करना है, ये हमें पहले पता लगा लेना चाहिए या हमें ये पता होना चाहिए। उस तक हम जैसे जैसे पहुंच जाएंगे तो इस प्रकार यह स्पष्ट होते जाएगा कि विश्लेषण विधि में किसी भी तथ्य या समस्या को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और ये टुकड़े या खंड इस प्रकार किए जाते हैं कि उनको मिलाने पर वही विषय या वही समस्या अपने पुराने स्वरूप में लौट जाए। जैसे मान लें आपने सॉल्व करते हैं मैथ्स में रेखागणित करते हो आप, अंकगणित करते हो, बीजगणित भी करते हो, तो इन समस्याओं का हल खोजने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था ये परीक्षाओं में सीटेट और यूपीटेट की में, कि रेखागणित की खोज करने के, रेखागणित के मतलब प्रमेय जो है या जो रचना होती है इसे सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो होती है विश्लेषण विधि। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित बातों का कहना हमें उचित होगा। तो देखिए पॉइंट नंबर हमारे पास जो 1 दिया हुआ है, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे आप इसको, अंकगणित किसी ना किसी समस्या को हल करना होता है, ठीक है, और जब किसी प्रमेय को सिद्ध करना होता है तब भी क्या लगती है, विश्लेषण विधि। और जब रेखागणित में मान लेते हैं कोई रचना की पद लिख रहे हो आप, जिसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, वो लिखने के लिए भी आप किसका यूज करते हो, यहाँ पर जो विश्लेषण विधि है इसी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने विश्लेषण विधि में क्या सीखा, विश्लेषण विधि ये बताती है कि आप समस्या को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर लेंगे और आप सबसे पहले ये जानिए कि आपकी समस्या क्या है और फिर आप अज्ञात से खोज करते हुए कहाँ जाएंगे, ज्ञात की ओर जाएंगे। और इन इस तरह के जो क्वेश्चन है इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अधिकतर जो विश्लेषण विधि है ये मैथ्स में उपयोग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस विधि की खासियत ये है कि इसमें छात्र जो होता है स्वयं ही खोज करता है और समस्या के हल करने के लिए कौन कौन सी बातें का ज्ञान होना चाहिए ये विश्लेषण विधि या उसके द्वारा छात्र समस्याओं को हल करते समय ज्ञात कर लेता है या मालूम कर लेता है। तो क्या होता है, इसमें जो छात्र की भूमिका होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें छात्र जो होता है ज़्यादा सीख पाता है क्योंकि वो खुद से समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर रहा है।
दूसरी हम विधि लेंगे संश्लेषण विधि। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसका नाम है एजुकेशन फॉर यू, आप सर्च कर सकते हैं @आशीष चौरसिया या @education4you, तो उससे आप मेरे चैनल को पाएंगे टेलीग्राम में, और वहीं पे हमारे ग्रुप में मैं अक्सर पीडीएफ देते रहता हूँ। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो रेड कलर का बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप रात 9 बजे जो होने वाली लाइव क्लासेस हैं उसे आप ज्वाइन कर पाएं। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि से जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं अपोजिट है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, समस्याओं के को जो खंड है उसे मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें तोड़ते थे विश्लेषण में, और इसमें क्या करना है, जो समस्याओं के अलग अलग खंड है उसे मिला देना है और फिर प्रस्तुत करना है। और इस विधि में थोड़ा सा अपोजिट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाएगा इसमें, ठीक है, उल्टा है ये, उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर था, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, रिमेंबर दैट कर लेना, पॉइंट जरूरी है। संश्लेषण विधि के कुछ पद हैं, पहला अगर हम यहाँ पद देखिए, समस्या के आधार का ज्ञान, पहला पॉइंट, कोई भी समस्या अपने आप में समस्या नहीं होती, ठीक है, कोई ना कोई उसका आधार होता है, उसकी कोई पृष्ठभूमि होती है। तो संश्लेषण विधि में अध्यापक सर्वप्रथम छात्रों को यही बताता है कि समस्या का आधार की पृष्ठभूमि क्या होगी। दूसरा अगर हम यहाँ पे ले समस्या का हल करना, संश्लेषण विधि का अंतिम पद होता है ये, समस्या का हल करना, यही क्वेश्चन बन जाएगा, संश्लेषण विधि का अंतिम पद क्या होता है, तो वो होता है समस्या का हल करना। यदि अध्यापक विश्लेषण के बाद संश्लेषण करता है तो समस्या का हल छात्रों को सहयोग करता है, यदि यह सीधे संश्लेषण विधि द्वारा शिक्षण करता है तो ये समस्या का हल स्वयं प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखिए, अगर एक टीचर जो है वो पहले विश्लेषण विधि का यूज़ करेगा, छात्रों को मौके देगा खोज करने के, थोड़ा सा तर्क करने के, उसके बाद संश्लेषण विधि करेगा तो ठीक है, अगर डायरेक्टली आप संश्लेषण विधि करोगे तो आपको ही छात्रों को हल देना होगा, क्योंकि इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। इज इट क्लियर? अब क्या बोला जाए ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन सा, जैसे मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वैल्यू पुट करना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी, क्या ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात है तो जैसे आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया है पाइथागोरस थ्योरम दे दिया, जैसे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इसको आपको सिद्ध कर देना है। तो ये कौन सा हो गया आपका संश्लेषण विधि, ये हो जाएगा आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर। समस्या का ज्ञान, तो इस पद में अध्यापक क्या होता है, उस समस्या का स्पष्ट ज्ञान कराता है जो बच्चे होते हैं उन्हें, तो ये थोड़ा सा अलग था जो संश्लेषण विधि थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपको तीसरी विधि पढ़ा सकूं, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला जो है काफ़ी, मतलब आज सीख के जाओगे आप। इस विधि की खोज जो है प्रो एच ई आर्मस्ट्रांग ने की थी, इसका प्रयोग विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किया जाता था, ध्यान रखना किसके लिए किया जाता था, विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किया जाता था, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण गणित में इसका प्रयोग किया जाने लगा। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, कहाँ का, ये भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मालूम करता हूँ, जो आपका ह्यूरिस्टिक शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और उसका तात्पर्य या अर्थ क्या होता है, मैं मालूम करता हूँ। इस विधि में छात्र जो होता है अन्वेषक के रूप में क्रियाशील रहते हैं तथा स्वयं कार्य कर समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करते हैं। इसमें छात्र को स्वयं ही कार्य करना होता है और समस्याओं का समाधान करना होता है। यह विधि शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और जो गणितीय दृष्टिकोण है उसका विकास हो जाता है, या हम कह सकते हैं वो दृष्टिकोण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। आगे मैं यहाँ पे लूँ एक छोटा सा और पैराग्राफ, तो इस विधि की प्रक्रिया में जो केंद्र में होता है वो आपका छात्र होता है, विद्यार्थी होता है, वह पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन, तर्क वितर्क आदि के द्वारा खोज करता है और स्वयं को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और छात्र स्वयं अपने प्रयास के द्वारा इसे हल करता है।
ठीक है, जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, समस्याएं देंगे और छात्र जो है वो स्वयं उन समस्याओं को हल करेगा। इन समस्याओं को विद्यार्थी के समक्ष पाठ्य पुस्तक व अन्य साधनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इस विधि में अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना होता है, उनकी सामग्री यंत्र आदि साधनों को उपलब्ध कराना होता है जिसका उपयोग छात्र समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। पर इस विधि में जो शिक्षक है वो समस्या हल करके आपको नहीं देता है, आपको खुद ही हल करना होता है। तो आई थिंक आपको ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसके बारे में भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे गणित शिक्षा का मूल्यांकन। मूल्यांकन के ऊपर भी मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और अभी तक आपने इससे पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं, आगमन और निगमन विधि, तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देख लें आप, क्योंकि मैथ्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही हो सकता है इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, तो अनअकैडमी में जाइए जल्दी से और बाल विकास का कोर्स देखिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो जो बाल विकास का कोर्स है वो बहुत IMP क्वेश्चनों से मिलकर बना हुआ है। तो एक बार आप अनअकैडमी जरूर विजिट कर लेना, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में गणित के शिक्षण मूल्यांकन के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।